हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, फ्रेश अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ आप बोल सकते हो। आप सबके लिए 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं बैंक में, बैंक पीओ जिसका आप हर साल वेट करते हैं और आप सभी हर साल इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई भी करते हैं। इस साल थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आपके पास हैं। आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हो। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, ये सारी मैं इस वीडियो में बात आपसे करने वाला हूँ। खासकर जो आप में से फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट है, आप सबके लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने बैंकिंग एग्ज़ाम पहले किया है, तैयारी की है, उन सभी के लिए भी। रोके उड़ी। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस फॉर बैंक पीओ, क्लर्क, JKPSI, जूनियर असिस्टेंट। परसों से स्टार्ट किए जा रहे हैं, 21 अक्टूबर 2021 से आप सभी फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टाइमिंग है इसका 1 बजे से लेके 4 बजे तक। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ऑलरेडी आपके पास है, 9419145317 पे कॉल करिए। एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। सबसे पहले आप में से जो जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी वाइज अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़, एज है इसकी 30 इयर्स, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स। अभी जो पिछले हफ्ते IBPS क्लर्क का फॉर्म निकला था, जिसमें काफ़ी हज़ारों वैकेंसीज़ हैं, उसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि 28 साल उनकी हो चुकी है, तो अब वो क्लर्क का फॉर्म नहीं भर सकते। बैंक में क्लर्क लगने के लिए 28 साल की एज मैंडेटरी है, उससे ऊपर आप नहीं भर सकते। लेकिन पीओ का फॉर्म आप ज़रूर भर सकते हैं, क्योंकि इसकी एज लिमिट है आपकी 30 इयर्स, 30 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको 2 साल का जिनका प्रॉब्लम आ रहा था, अब आप सबके लिए वो सॉर्ट आउट हो गया। तो पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। दूसरा, 30 साल इसकी एज लिमिट है। तीसरा, फॉर्म कब से भरे जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मानने वाली चीज़ है, सुनने वाली चीज़ है, वो ये है कि 20 अक्टूबर यानी कि कल से इसके फॉर्म लगना शुरू होंगे। लास्ट डेट कब होगी, 10 नवंबर 2021। अब आप जानते हैं कि बैंकिंग में 2014 के बाद से प्री और मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न आया है। तो पहला पेपर जो होता है आपका, वो है प्रीलिम्स का, जिसमें 4 दिसंबर और 12 दिसंबर को पेपर होगा। यानी कि अभी हम अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, तो 2.5 महीने का टाइम आपके पास है, राइट। अब अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद होगा आपका मेंस, जिसकी डेट है 2022। फिर आपका आ जाता है इंटरव्यू, तो आपका मेंस के बाद की बात है जो आप इजीली कर सकते हैं। करियर सक्सेस के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल जेके बैंक में पीओ सेलेक्ट हुए हैं और क्लर्क भी सिलेक्ट हुए हैं, बैंकिंग एसोसिएट, और अभी वेटिंग वालों को भी कॉल लेटर्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस जो आपने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और क्या स्ट्रेटजी है, क्या आपका पेपर का पैटर्न है, वो बातें डिस्कस करेंगे। प्रीलिम एग्ज़ाम जो आपका होगा दिसंबर में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 35 क्वेश्चन मैथ, 35 रीजनिंग, 30 इंग्लिश। 20-20 मिनट का टाइम आपको सेक्शनल मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं बैंकिंग में ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आप जाएंगे मेंस में। मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन आपकी 45 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटा। जनरल अवेयरनेस यानी कि इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, लेकिन टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। मैथ्स में 35 क्वेश्चन और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, और इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस और टाइम मिलेगा 40 मिनट। उसके बाद आपका एसे लेटर राइटिंग होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे आपके 30, जिसमें लेटर एसे राइटिंग आपको आना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि अब आप लोगों के लिए एक नया टास्क IBPS PO के रूप में आपके सामने आ चुका है। IBPS क्लर्क के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक ही तैयारी करनी है, दोनों पेपर कवर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करियर सक्सेस द ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर J&K हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस। इस साल भी कम से कम 17 से 18 बच्चे हमारे PO सेलेक्ट हुए हैं और 50 के ऊपर क्लर्क्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो क्लासेज में हम आपको इनके साथ मिलाते भी हैं, ताकि आप हर एक टॉपर का, हर एक स्टूडेंट का आप व्यू जान सकें, कैसे वो तैयारी करते हैं एक साल के अंदर, कैसे 3-4 महीने लगा के प्रॉपर तैयारी करके आप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी इस रिक्रूटमेंट के लिए है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 30 इयर्स तक एज लिमिट है। मैं एक बार लास्ट में, अगर वीडियो को लेट देख रहा है, आपको फिर से बता दूँ, 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं। IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर, अगर आप बैंक में PO सेलेक्ट होना चाहते हैं, एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब, और एक आप कह सकते हैं बहुत ही बच्चों में
क्रेज़ होता है पीओ बनने का। दूसरा इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए ताकि आजकल ये मैंडेटरी है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए। चौथी चीज़ आपका पहले आपने फॉर्म कब से भरना है, मैंने वो मिटा दिया लेकिन आप वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कल से इसके फॉर्म लगना शुरू हो रहे हैं और नवंबर तक ये चलेंगे। फिर आपका पहला प्रीलिम एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में और मेंस एग्ज़ाम होगा जनवरी में। कोई भी क्वेरी आपकी है आप हमें पूछ सकते हैं। और फ्रेश बैच अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, थर्सडे से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, परसों से आप सभी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग है 1 PM to 4 PM। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।